दोस्तों हुआवे का सब ब्रांड ऑनर ने अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है ऑनर प्ले स्मार्टफोन को, और इस स्मार्टफोन की दोस्तों कीमत रखी गई है 20,000 रुपीज। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन और बहुत अच्छा हार्डवेयर देखने को मिल रहा है प्राइस के हिसाब से। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले इसी प्राइस के आसपास हुआवे का नोवा 3i इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर भी बहुत अच्छा कैमरा और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिला था। तो दोस्तों अभी बहुत सारे यूजर कंफ्यूज है हुआवे नोवा 3i खरीदना एक सही ऑप्शन रहेगा या ऑनर प्ले स्मार्टफोन को। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको हुआवे नोवा 3i एंड ऑनर प्ले स्मार्टफोन के बीच में एक कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन देने वाला हूं, सो दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद डिसाइड करें कि आपको हुआवे नोवा 3i खरीदना चाहिए या ऑनर प्ले स्मार्टफोन को। सो गाइस लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही फोन्स के अंदर हमें मिलता है 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले, जो कि आता है 19:9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में। और हमें दोनों ही फोन्स के अंदर नॉच डिजाइन भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम बैक डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ऑनर प्ले के अंदर हमें मेटल बैक डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया है। दूसरी तरफ हुआवे नोवा 3i बनाया गया है ग्लास बॉडी डिजाइन के साथ में, जिसके वजह से दोस्तों हुआवे नोवा 3i काफी प्रीमियम लग रहा है ऑनर प्ले स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। पर दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑनर प्ले एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, क्योंकि दोस्तों ऑनर प्ले के अंदर हमें मिलता है मेटल बैक डिजाइन जो कि एल्यूमिनियम अलॉय से बनाया गया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑनर प्ले खरीदना सही ऑप्शन रहेगा। अगर दोस्तों आपको प्रीमियम लुक वाला डिजाइन चाहिए और ग्लास बॉडी डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे आपको हुआवे नोवा 3i को कंसीडर करना पड़ेगा। और एक दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर स्क्रैच रेजिस्टेंट फीचर मिलता है इस फोन की डिस्प्ले में, साथ में ये डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आपको ऑनर प्ले के अंदर अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा हुआवे नोवा 3i के कंपैरिजन में। इसके बाद दोस्तों आते हैं दोनों फोन के हार्डवेयर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों हमें ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर मिलता है हुआवे का केरिन 970 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है, जिसका दोस्तों क्लॉक स्पीड है 2.36 GHz। और ये प्रोसेसर बनाया गया है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मालिका G72 MP12 GPU भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हमें हुआवे का नोवा 3i के अंदर मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 710 प्रोसेसर, और एक लेटेस्ट प्रोसेसर है हुआवे का, इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz और ये प्रोसेसर बनाया गया है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है मालिका G51 MP4 GPU। अगर दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों ऑनर प्ले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है हुआवे नोवा 3i के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों ऑनर प्ले के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो बनाया गया है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरी तरफ हुआवे नोवा 3i के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है हाई सिलिकॉन किरिन 710 वो बनाया गया है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया प्रोसेसर काफी बेहतर है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया प्रोसेसर से, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ऑनर प्ले के अंदर बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा हुआवे नोवा 3i के कंपैरिजन में। साथ में दोस्तों अगर जीपीयू की बात करें तो ऑनर प्ले के अंदर जो जीपीयू मिलता है वो बहुत एडवांस है हुआवे नोवा 3i से, इसलिए दोस्तों आपको बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर हुआवे नोवा 3i के कंपैरिजन में। अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें मिलता है 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज, और दोनों ही फोन्स में हमें एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर जीपीयू टर्बो टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिलता है, जो कि अभी हुआवे नोवा 3i के अंदर भी अवेलेबल है। पर दोस्तों एक और खास फीचर हमें ऑनर प्ले के अंदर देखने को मिलता है, जो कि NPU यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दोस्तों मदद करता है स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। इसलिए दोस्तों आपको ऑनर प्ले के अंदर काफी बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस NPU फीचर की वजह से, जो कि दोस्तों हुआवे नोवा 3i के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं दोनों ही फोन्स की कैमरा की तरफ। अगर हम पहले रियर कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल सेम रियर कैमरा देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स के रियर साइड में हमें मिलता है 16 MP + 2 MP का डुअल कैमरा, जिसका अपर्चर है f/2.2। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, और इन दोनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है प्राइस के हिसाब से। पर यहाँ पे दोस्तों सेल्फी कैमरा में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर हमें मिलता है 16 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है f/2.0। दूसरी तरफ हमें हुआवे नोवा 3i के अंदर मिलता है 24 MP + 2 MP का डुअल सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर है f/2.0। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हुआवे नोवा 3i का सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है ऑनर प्ले के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों हुआवे नोवा 3i के अंदर हमें डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और इस सेल्फी कैमरा की पिक्सल काउंट भी ज्यादा है ऑनर प्ले के कंपैरिजन में। इसके बाद दोस्तों आते हैं बैटरी के तरफ। यहाँ पे दोस्तों ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर हमें मिलते हैं 3750 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू। दूसरी तरफ हमें हुआवे नोवा 3i के अंदर मिलते हैं 3340 mAh की लिथियम आयन बैटरी, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे microUSB पोर्ट के थ्रू। तो दोस्तों डेफिनेटली जैसे कि बैटरी कैपेसिटी ऑनर प्ले के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर हुआवे नोवा 3i के कंपैरिजन में। साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि
हमें ऑनर प्ले स्मार्टफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि हुआई का सुपर चार्ज 3.0 और हमें ऑनर प्ले के बॉक्स में एक 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों हुआई नोवा 3 के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है और यहाँ पे हमें एक 5.2 एम्पीयर वाला बेसिक अडैप्टर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग फीचर चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑनर प्ले स्मार्टफोन को खरीदना होगा हुआई नोवा 3i के बदले। इसके बाद दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन पे 108.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं EMUI 8.1 के साथ में और दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉकिंग का फीचर और सभी AI बेस्ड फीचर भी देखने को मिलता है। फाइनली दोस्तों अब आते हैं इस कंपैरिजन की लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि प्राइसिंग। यहाँ पे दोस्तों ऑनर प्ले स्मार्टफोन की प्राइसिंग रखा गया है 20,000 rupees 4GB रैम प्लस 64GB वेरियंट के लिए। दूसरी तरफ हुआई नोवा 3i की 4GB रैम प्लस 64GB वेरियंट की प्राइसिंग रखा गया है 21,000 rupees। यहाँ पे दोस्तों हुआई नोवा 3i का प्राइसिंग 1,000 rupees ज्यादा है ऑनर प्ले के कंपैरिजन में, पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपका सेल्फी कैमरा मेन प्रायोरिटी नहीं है तो आप ऑनर प्ले स्मार्टफोन को ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 1,000 rupees लेस प्राइस में बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन और बहुत अच्छा हार्डवेयर देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों ऑनर प्ले का बैटरी काफी अच्छा है हुआई नोवा 3i के कंपैरिजन में। तो दोस्तों डेफिनेटली हुआई नोवा 3i के कंपैरिजन में ऑनर प्ले स्मार्टफोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट कंपैरिजन। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपका सेल्फी कैमरा मेन प्रायोरिटी नहीं है तो आप ऑनर प्ले स्मार्टफोन को खरीदे, क्योंकि दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस और बैटरी कैपेसिटी तीनों ही बहुत अच्छे हैं हुआई नोवा 3i के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से दोस्तों हुआई नोवा 3i के बदले ऑनर प्ले स्मार्टफोन को लेना एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।